अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हम साल करते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन मूवज इलांग द लाइन ए बी ये हमें एक लाइन ए बी गिवन है इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है विच इज लाइज इन द सेम प्लेन एज सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर जिस प्लेन में ये हमने कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है उस ही सेम

अच्छा मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक वायर ड्रा कर लेता हूँ ठीक है चलो ये हमारे पास इधर से स्टार्ट कर लेते हैं वायर को अब हम ये तो हमारे पास क्या कौन सा पोजीशन है ये इसका पोजीशन है कि हम कहते हैं कि चलो इसकी तरफ एक आ, आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है तो अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक ठीक है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है टू वर्ड याद रखना हर मूविंग चार्ज क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इट्स मीन हमारा जो करंट होगा हमारा जो करंट होगा आई जिसको हम कहते हैं ठीक है वो इस डायरेक्शन में होगा ये हमारे आई का डायरेक्शन है ठीक है इसका कलर भी मैं थोड़ा सा आ, बेस्ट रख लूँ ठीक है अच्छा ये हमारा किस चीज़ का डायरेक्शन है हमारा करंट का डायरेक्शन है अब जब हमारा करंट इस तरफ हो और हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक करंट के रिंग वायर होता है उसके इक्रास हम मैग्नेटिक फील्ड पैंट करते तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते सिंपली हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके इक्रॉस ये रख लेते ठीक है ये देख सकते हो आप ये मैंने इसकी इ्रॉस रख दिया इस वायर के इक्रास तो इट्स मीन कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर लूँ ठीक है इस हैंड को ठीक है हैंड को मैंने और भी बड़ा कर दिया तो अब आप देखें कि मेरा जो मैग्नेटिक पीड है वो इस लूप के अंदर किस डायरेक्शन में ठीक है उसको आप लोग गौर करें वो बेसिकली एंड टू दिस है ठीक है इसके अंदर हमारे पास पीड का जो डायरेक्शन होगा वो एंड टू पेज होगा अब आप लोग समझ गए मेरी बात वो किधर होगा एंड टू पेज ठीक हो गया अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको मजीद सब्जीपाई कर ठीक हो गया जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ये मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया ठीक है ये किधर आ रहा है हमारा जो डायरेक्शन है करंट के डायरेक्शन में मैं तम को रखा करोल फिंगर मेरे पीढ़ को शो कर रहे ठीक हो गया तो एट्स मीन अब याद रखना जब हम क्या कर रहे हैं जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे ठीक है जाने की कोशिश कर रहे हैं लूप की तरफ जाने की कोशिश करते तो हमारा जो आ, क्या कहते इसमें क्या हो रहा है फील्ड इंक्रीज हो रहा है इसके फील्ड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है अच्छा अब अगर हमने इसको अपोज करना है ठीक है अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस तो हमने इस प्लेक्स को क्या करना है इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है अपोज करना है जब इसको अपोज करना है क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना इनसाइड इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके अपोजिट में मतलब इसके आउटसाइड हमने क्या करना है वो एक अपोजिंग प्लेक्स प्रोड्यूस करना है जो भी जो भी इंक्रीजिंग हो ठीक है ताकि उसको अपोज कर सके अब क्या होगा जब ये आप लोग देख सकते हो जब हमारे पास पीड़ क्या है आउट ऑफ द पेज आ रहा है अभी इंड्यूस के लिए पीड आउट ऑफ द पेज आ रहा है और जब भी आउट ऑफ द पेज हो और हम क्या करते हैं करंट का डायरेक्शन पॉइंट करते हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं तब हमें क्या शो करता है कि ये आपका जो है वो आउट ऑफ द पेज है क्या है आपका आउट ऑफ द पेज है आपका जो कर्ल फिंगर होंगे वो डायरेक्शन आप करंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो इस तरह आ रहा है ठीक हो गया वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो एट्स मीन जब हम यहां से लेकर ठीक है कि जब हम क्या कर रहे जब हम यहां से यहां तक जा रहे ठीक है ए पॉइंट से लेकर यहाँ बीच तक आ रहे हैं मतलब यहाँ तक आ रहे टूवर्ड हम लूप जा रहे तो हमारा पीड़ क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है और करंट हमारा क्या है इस डायरेक्शन में ठीक है अपोजिंग सारा कुछ मैंने आप लोग देख सकते हो मैंने कर लिया लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाते हैं बी की तरफ जाते हैं तो मीन हम यहाँ से जा रहे हैं ठीक है हम यहाँ से क्या कर रहे हैं इस तरफ से हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा अगेन मैं अगर वो पहला वाला रूल इस्तेमाल करूं यहाँ पर ठीक है इसको मैं रिमूव कर पहले अच्छा अब देखें हम अगेन उसी डायरेक्शन में जा रहे करंट का कर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ठीक है करंट का कर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो हमारा जो इन साइड यहाँ पर फील्ड होगा वो अगेन क्या होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन इस तरह इस तरह रखें करंट इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहे तो इन मेरे पास क्या होगा अगर मैं पहला वाला रूल अप्लाई करू इन मेरे पास एंड टू दैज होगा एंड टू दैज होगा लेकिन यह क्या है? डिक्रीजिंग है क्योंकि हम इससे दूर जा रहे हैं जब हमने इन साइड इंक्रीज करना है तो मतलब इन साइड हमें एक दूसरा चाहिए होगा ठीक है इंड्यूस करने के लिए वो भी इन साइड होगा जो इसको इसके इफेक्ट को कम करे ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल ये रिड्यूस हो रहा है इसके इफेक्ट को कम करें तो हम क्या करें इन साइड ही अब एक इंक्रीजिंग क्या प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेंगे इंड्यूस इंड्यूस करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर ये रूल अप्लाई करूँगा ठीक है ये रूल मैं अप्लाई करूंगा अब देखिए रूल मैंने अप्लाई किया इसका मतलब ये है एन टू ठीक है मतलब अगर हम इसको देखें तब मुझे शो कर रहे हैं कि एन टू पेज है ठीक है मेरी कर्ल फिंगर क्या कर रहा है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा कर जो कि इस तरफ आ रहे है आप लोग देख सकते हो ठीक है तो इट्स मीन यहां से लेकर यहाँ तक एंटी क्लॉक वाइज था यहां से लेकर क्लॉक वाइज था तो करंट क्या हो रहा है द करंट चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी ठीक है तो आप लोग यहाँ पर किसी तरह का अब सीख जब इस पर साल कर सकें थैंक यू फॉर वॉशिंग अल्लाह हाफिज़